ट्वेल्व हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या फिर बारह सो के आसपास और इस टेम्परेचर पर जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आयरन में जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसका सबसे लोअर uh, सबसे नीचे की तरफ ब्लास्ट फर्नेस में फॉर एग्जाम्पल इफ दस हजार ब्लास्ट फर्नेस तो यहां का बिल्कुल लोअर टेम्परेचर यही होता हमारा बारह सो सत्तर कैलोविन के आसपास ठीक है तो यहाँ पर क्या बनेगा एफ बट ये अब लिक्विड में बनेगा और सीओ तो पहले रिएक्शन में सीओ टू प्रोड्यूस हुई दूसरा रिएक्शन है जेड एन ओ प्लस सी और फिर से इस रिएक्शन में जब हम सिंटेरिंग के केस फिर से दिस इज नथिंग बट सिंपली एज हीटिंग तो सिंटेरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हीट करके बिना लिक्विफिकेशन को उसको एक दूसरी सॉलिड स्टेट या फिर सिंपली एज एक पोर स्टेट में कन्वर्ट कर देना तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं कार्बन ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है और हमारे पास क्या बचता है जिंक सॉलिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग जब कार्बन की प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन का रिमूवल करवाते हैं ऑक्साइड से तो दैट इज स्मेल्टिंग तो यहां पर भी बनेगा अब रिएक्शन हमारे पास कार्बन का कार्बन जो है रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर के साथ टू गिव अस सी टू प्लस एस एंड अलोंग विद वाटर दैट इज एच तो इस केस में कोई सी नहीं बनेगी तो ये रिएक्शन होगा अब आखिरी रिएक्शन है NiCO4 दिस इज टेट्राकार्बोनिल निकल और ये एक वोलेटाइल कंपाउंड है तो जैसे ही थर्मल डीकंपोजिशन यानी कि हीट करेंगे तो ये डीकंपोज हो जाता है इनटू निकल सॉलिड और प्लस में 4 CO हमें अलग से मिल जाते हैं और ये जो निकल सॉलिड है दिस इज प्योर सॉलिड और इससे पहले जो NiCO4 था इस केस में ये था इसका वोलेटाइल कंपाउंड ऑफ इंप्योर निकल और ऐसी प्रोसेस को या फिर इस प्रोसेस का जो नाम है is, प्रोसेस. तो प्रोसेस में भी सीओ मिलेगा ऑप्शन नंबर सी क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर